नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। ग्राम लटेरिया में जीवन यापन करने वाले दो किसान राजाराम पांडे, उदित नारायण पांडे पिता भैयालाल पांडे, जो कि लगभग 20 से 25 दिनों से खेत में लगी धान की फसल को काटकर बैलगाड़ी के माध्यम से खलिहान में ला करके 80 से 85 गाड़ी इकट्ठा किए हुए थे, जो लगभग 8.5 एकड़ की परता में फैला हुआ था। पूंजी न होने के कारण उन्होंने बैंक से भी कर्ज ले रखा था। खलिहान आम सड़क के समीप होने के कारण किसी कारणवश उसमें अचानक आग लग गई, जिससे पूरा हाहाकार मच गया। पूरे ग्रामीण दौड़ कर आए, लेकिन आग काबू से बाहर हो गई थी। सूचना मिलने पर दरसला चौकी प्रभारी नंद कुमार कुशवाहा पूरी टीम के साथ वहां पहुंच गए। ग्रामीणों ने पहले से फायर ब्रिगेड को फोन लगा दिया था, जो बुढ़ार से आने में लगभग 2 घंटे से अधिक का समय लग गया, जो लगभग 80 किलोमीटर है। फायर ब्रिगेड के आने से पहले उनकी फसल पूरी तरह से जलकर राख हो गई थी। पीड़ित किसान का कहना है कि उसी फसल के माध्यम से उनकी बेटियों की शादी करनी थी और बैंक का कर्जा भी चुकाना था, जो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। इतना ही नहीं, 15 दिनों के राशन का भी व्यवस्था नहीं है उनके पास। ऐसे में वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? अधिकारियों से आग्रह है कि किसान की समस्या का समाधान करें और एक फायर ब्रिगेड हर 5 पंचायतों के बीच में उपलब्ध कराई जाए। सर जी, आपका परिचय? राजा राम पांडे। पिता श्री भैयालाल पांडे जी। जो ये आग लगी है आपकी फसल में, जो आंगन में रखी है, जी हाँ, तो ये मतलब कितना, लगभग कितना का नुकसान हो गया आपका? इसमें मेरा 80 गाड़ी, हाँ, जो भैंसा गाड़ी होती है उसमें 80 गाड़ी मेरा अनाज रहा। जी जी। और पड़ता रहा इसमें जा करके 8.5 एकड़। 8.5 एकड़ जी हाँ। तो सर, इसके बारे में मतलब जो हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब इसके मुआवजा उवजा के बारे में? मुआवजा मेरे को चाहिए। मैं इसी के माथे आज की स्थिति में कर्जा ले लेके खेती किया था जी। इसी के माथे मेरे बच्ची को शादी करना था जी। अब मेरे पास यहाँ तक कि साल भर खाने के लिए, कौन कहे, मेरे पास 15 दिन के बाद खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। संपूर्ण फसल मेरा जल करके राख हो गया है। मतलब आप बिल्कुल निर्धन हो गए? हाँ, मैं निर्धन हो गया हूँ। मीडिया के द्वारा मैं आग्रह करता हूं कि कोई सहयोग शासन के द्वारा, पंचायत के द्वारा, जिला के द्वारा मेरे को सहयोग दिया जाए, ताकि मेरे बीवी बाल बच्चे 2 वक्त की भोजन पाए। मेरे पास आज की स्थिति में 50 किलो अनाज की व्यवस्था नहीं है। मैं ये पूछना चाहूँगा जी हाँ, जो ये फसल रखी हुई थी, मतलब कितने की पड़ता, मतलब जमीन कितने एकड़ की, मतलब कटी हुई फसल थी ये वाली? ये जमीन हमारा, 2 भाई इसमें हम खेती किए थे जी, राजा राम पांडे, उदित नारायण पांडे। ये 8.5 एकड़ का फसल का रकबा था। 8.5 एकड़ जी हाँ, जो लगभग लगभग 70-75 गाड़ी, नहीं को 75-80 के बीच में था जी। चलिए, धन्यवाद। यदि खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। किसी भी प्रकार की खबर, भ्रष्टाचार घटना की जानकारी देनी हो तो नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद।